नेक्स्ट डे माय जब कॉफी पी रही होती है तो लूरैन उसे मिल्क देते हुए कहता है कि कॉफी नहीं मिल्क पियो। माय कहती है कि तुम्हारी शूटिंग हो गई, तुम घर नहीं गए। लूरैन कहता है कि शूटिंग हो गई लेकिन घर जाकर क्या करूं, जिसे देखना है वो ऑफिस में है। माय उसे साइड ले जाती है और कहती है कि पहले हमारी इम्पोर्टेंट शूटिंग है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं नाराज हो जाऊंगी। लूरैन जोर में कहता है कि यस मिस माय। माय घबरा कर यहाँ वहाँ देखने लगती है तो लूरैन स्माइल करके कहता है कि मैं प्रैक्टिस करूंगा। फिर कहता है कि सीरियसली आपको कॉफी नहीं मिल्क पीना है। तो माय कहती है कि कॉफी से मैं जगे रहती हूं। तो लूरैन कहता है कि जगे रहने के और भी रास्ते हैं और उसके लिप्स पर किस करता है। जी यांग माय से मिलने के लिए आता है तो लूरैन छुप के दोनों की बातें सुनने लगता है। जी यांग कहता है कि प्रोग्राम में ब्रॉडकास्ट का ऑफर आया है, मैं सीजी की एबिलिटी बता सकूंगा। माय कहती है कि वो मेरे हाथ में नहीं है, वो कंपनी डिसाइड करेगी। तो जी यांग कहता है फिर लूरैन को कैसे परमिशन मिली शूटिंग के लिए, मैं उससे अच्छा सिंगिंग करता हूँ, उससे अच्छा डांस करता हूँ, बल्कि आपने तो कहा था कि मैं उससे बेटर हूँ। तो माय कहती है कि हाँ तुम उससे बेटर हो। ये सुनते ही लूरैन बाहर आ जाता है और कहता है कि मैं बेटर हूँ। जियांग कहता है कि फिर बैटल हो जाए। लूरैन कहता है कि डरता हूँ क्या बैटल हो जाए। माय कहती है कि किस बात की बैटल, मेरे पास टाइम नहीं है। दोनों का बैटल शुरू हो जाता है। पहले तो दोनों अच्छे से डांस करते हैं, बाद में बच्चों की तरह एक दूसरे के साथ कंपटीशन करने लगते हैं। लूरैन कहता है कि मैं विंड मिल बन सकता हूँ, तो जियांग भी विंड मिल बन जाता है और दोनों को ऐसे घूमते हुए देख माय परेशान हो जाती है। बाद में जब माय लूरैन से मिलती है तो कहती है कि तुम्हें क्या जरूरत थी बच्चों के जैसे बिहेव करने की। वैसे जियांग गलत नहीं है, तुम अकेले शूटिंग पर गए थे जिसके वजह से ग्रुप में डिससैटिस्फैक्शन हो गया। लूरैन कहता है कि तुम्हें भी पता था कि मैं शूटिंग पर जा रहा हूँ। माय कहती है कि टॉपिक चेंज मत करो, तुम्हें क्या जरूरत थी बीच में आने की, मैं जियांग को समझा देती, तुम हमेशा ऐसे आकर एंडिंग खराब कर देते हो। लूरैन कहता है कि तुम लड़ना चाहती हो। माय कहती है कि मैं फ्यूचर के लिए समझा रही हूँ, ये ग्रुप का मामला है, बाद में कुछ और होगा। लूरैन कहता है कि 6 बजकर चले गए हैं, मेरा ऑफिस टाइमिंग खत्म हो गया है और वो जा रहा होता है। तो माय उसे पीछे से आवाज़ देती है, लूरैन मेरा भी ऑफिस टाइमिंग खत्म हो गया है, और आकर उसका हाथ थाम लेती है। लूरैन स्माइल करता है। दोनों हाथों में हाथ डालकर चल रहे होते हैं, तभी लूरैन माय से पूछता है कि तुम्हारा आज का दिन काम पर कैसे था। माय कहती है कि पूछो मत, आजकल के ट्रेनी बहुत ही इमैच्योर है, तुम्हारा कैसे था। लूरैन कहता है कि क्या कहूँ, मेरे बॉस ने बिना मतलब के ही मुझे बहुत डांटा, और दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। घर जाकर लूरैन माय के लिए डिनर बनाता है, जिसे देखकर माय कहती है कि इस बार कुछ गड़बड़ तो नहीं है। लूरैन सीरियस होकर कहता है कि पता नहीं, और फिर दोनों हंसने लगते हैं। तभी माय के एक्स कलीग का कॉल आता है तो लूरैन बड़े ही गौर से वो सुन रहा होता है। वो कहता है कि क्या अब हम मिल सकते हैं, लेकिन माय कहती है कि अभी मैं बिजी हूँ, वीकेंड पर मिलते हैं। लूरैन कहता है कि तुम वीकेंड पर किससे मिल रही हो। तो माय कहती है कि अभी मैं बिजी हूँ क्योंकि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ हूँ, और फ़ोन रख देती है। फ़ोन रखने के बाद वो लूरैन से कहती है कि तुम लियांग चीयू को अकेले में क्या कहकर पुकारते हो। वो कहता है कि नॉर्मल लियांग चीयू कहकर पुकारता हूँ। तभी चीयू का वॉइस मैसेज आता है और हेडिंग होती है चीयू चीयू। माय के कुछ कहने के पहले ही लूरैन कहता है कि ये खुद उसने टाइप किया है। मैसेज होता है क्या कर रहे हो, और सेकेंड मैसेज होता है कि कल इंटरव्यू के बाद हम साथ में चलते हैं। ये सुनते ही माय गुस्से से उसे देखने लगती है तो लूरैन कहता है कि तुम चाहो तो स्टूडियो पर मुझ पर नज़र रख सकती हो। माय कहती है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और जाने लगती है तो लूरैन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके लिप्स पर किस करता है। लिप्स पर किस करते ही माय सो जाती है। लूरैन मन में सोचता है कि ये हमेशा ऐसे ही सिचुएशन में सो जाती है, क्या मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, और वॉशरूम में जाकर खुद के बाल को सेट करता है और खुद को देखते हुए कहता है कि अब मैं चार्मिंग लग रहा हूँ, अब तुम सो नहीं पाओगी। फिर बताते हैं कि जूना और वूजी अपनी आउटिंग डेट मना रहे होते हैं। तभी जूना को टेक्स्ट मैसेज आता है तो वूजी कहता है कि कौन है, माय ज़ियोमी। तो जूना कहती है कि और कौन होगा। वूजी कहता है कि अब तो वर्किंग टाइम नहीं है। तो जूना कहती है कि वो कह रही है कि अब उसके लिए स्लीपिंग पिल्स की अरेंजमेंट ना करूं। तो वूजी कहता है कि क्या अब वो ठीक से सो पा रही है। तो जूना कहती है पता नहीं, वो अचानक खुद ही कैसे ठीक हो गई। तो वूजी कहता है कि मैंने नोटिस किया है
है कि लूरान के साथ वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। तो जूना कहती है कि हाँ, जब से लूरान आया है उन्होंने मेडिसिन लेना बंद कर दिया है। फिर लूरान माँ के पास आकर कहता है कि देखो, सुबह से जब से मैं उठा हूँ मेरे नेक में स्टिफनेस आ गई है, तुम ज़रा मेरे लिए देखोगी। और उसके करीब आकर उसे बताने लगता है और मन में सोचता है कि मुझ जैसा क्यूट और सेक्सी को देखकर तुम सो नहीं पाओगी, सो ही नहीं सकती। लेकिन माँ फिर भी सो जाती है। उसे देखकर वो शॉक हो जाता है कि ये फिर से सो गई, और उदास सा वॉशरूम में फिर से आकर सोचने लगता है कि जब भी माँ मेरे आंखों में देखती है सो जाती है। प्रॉब्लम मेरे हैंडसम फेस से है, तो मुझे अब अपने मैच्योर मैन दिखाना पड़ेगा। फिर जब लूरान माय के सामने आता है तो मास्क पहन के आता है, जिसे देखकर माय कहती है कि ये तुमने मास्क क्यों पहना है, और उसका मास्क निकाल देती है। लूरान कहता है कि तुमने मेरा मास्क क्यों निकाला, और उसे टिकल करने लगता है, और दोनों एक दूसरे को टिकल कर रहे होते हैं। तभी माय अचानक सो जाती है। लूरान उसे देखकर फिर सरप्राइज हो जाता है और मन में सोचता है कि छोड़ो, अब टाइम नहीं आया है। नेक्स्ट डे लूरान और चियू का प्रमोशन इंटरव्यू चल रहा होता है। एंकर कहती है कि तुम दोनों क्लोज हो, लेकिन इसमें एक्स बने हो। चियू कहती है कि हम दोनों क्लोज हैं, इसलिए हम दोनों में केमिस्ट्री बहुत ही अच्छे से है। लेकिन लूरान कहता है कि हम क्लोज हैं, लेकिन फिर भी इसमें वो स्पार्क नहीं था, लेकिन ऑडियंस को पसंद आया। एंकर लूरान से कहते हैं कि तुम्हें और रोल मिले तो तुम करोगे। तभी लूरान माय को देख लेता है तो कहता है एंकर से, क्या हम थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले सकते हैं, और माय के पास चले आता है। लूरान खुश होकर कहता है कि तुम यहाँ पर, तो माय कहती है कि मुझे तुम्हारे शेड्यूल पता है। लूरान कहता है कि अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे हेडेक है। माय कहती है कि बहाने बंद करो, ये तुम्हारा प्रमोशन इंटरव्यू है, इंटरव्यू के लिए वापस जाओ। तभी वहाँ पर चियू आती है। चियू माय से कहती है कि तुम वापस लूरान को लेने आ गई। तो माय कहती है कि वैसे भी मुझे तुमसे बात करनी थी, तो तुम मेरे साथ चलो। चियू कहती है कि इस बार फिर से तुम लूरान को खींच के ले जाना चाहती हो। तो माय कहती है मुझे खींच के ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद मेरे पास आएगा। माय कहती है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा गलत फहमी है, जैसे वो तुम्हें पसंद करता है, वो तुम्हारे साथ इसलिए पोलाइटली है ताकि वो मेरे साथ फ्लिम कर सके। माय कहती है तुम्हें गलत फहमी है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। तो चियू कहती है कि तुम पागल हो। तभी वहाँ पर लूरान आ जाता है और माय का हाथ पकड़ कर कहता है कि हाँ, मैं इनका बॉयफ्रेंड हूँ। माय कहती है कि मैंने चियू को बता दिया कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। लूरान कहता है अच्छा ही किया, ये अपनी है। चियू कहती है इसने तुम्हें परेशान किया या तुम्हें ब्लैकमेल कर रही है, तुम अपनी आंखें ब्लिंक करो, मैं समझ जाऊंगी। लूरान कहता है कुछ भी, चलो इंटरव्यू के लिए चलते हैं। लेकिन चियू लूरान का हाथ पकड़ कर कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। माय जो लूरान का हाथ पकड़ी होती है कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कि लूरान की फ्रेंड है, क्योंकि मैं लूरान को ट्रस्ट करती हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं कि तुम किसी के बॉयफ्रेंड के साथ इतनी कैजुअल रहो, लोग गलत समझेंगे। लूरान कहता है कि मैंने ये सोचा ही नहीं था, अब से मैं ध्यान दूंगा। माय कहती है कि मैं अब चलती हूँ, तुम इंटरव्यू के लिए जाओ। लूरान कहता है कि मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ने आता हूँ, और दोनों चले जाते हैं और चियू वहाँ गुस्से से खड़े रहती है। नेक्स्ट डे वूजी ऑफिस आता है और जूना उसे सारे डिपार्टमेंट बता रही होती है। तभी लूरान सामने आता है तो वो इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती है कि ओवरसीज बिजनेस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर वूजी है, और लूरान के बारे में कहती है कि ये मिस माय के सबसे फेवरेट आर्टिस्ट लूरान है, जिनकी सिंगिंग और डांसिंग की स्किल मिस माय ने इम्प्रूव की है। वूजी हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो लूरान कहता है क्या हम पहले मिले हैं। तो वूजी कहता है मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैं अभी ओवरसीज से आया हूँ। तो लूरान कहता है हो सकता है आपका फेस बहुत ही फ्रेंडली है। तो वूजी कहता है हो सकता है हम फ्यूचर में अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में मिले, और वहाँ से चले जाता है। लूरान मन में सोचता है कि मैंने कहाँ देखा है, तो उसे याद आता है कि मैंने रेस्टोरेंट में ली बाय के साथ इन्हें देखा था, ये ओवरसीज से अभी तो नहीं आए हैं। माय की मीटिंग चल रही होती है तभी जूना वूजी को वहाँ पर ले आती है, जिसे देखकर माय सोचती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, और उसे पहले के दिन याद आते हैं जब वूजी ने उसे कहा था कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ। माय ने कहा था कि मत जाओ, मेरे साथ रहो। तो वूजी ने कहा था कि मैं तुम्हें कुछ भी हेल्प नहीं कर सकूंगा। तो माय ने कहा था कि मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। तो वूजी ने कहा था कि लोग क्या कहते हैं पता है, मैं तुम्हारा कीप हूँ, मैं अमेरिका जाऊँगा, हमारा TX एंटरटेनमेंट को एक्सपैंड करूँगा,
फिर तुम्हारी हेल्प कर सकूंगा। तो माई ने कहा था, क्या तुमने ये डिसाइड कर लिया है? तो वूजी ने कहा था हाँ। तो माई ने कहा था, मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन हमारा रिलेशन यहीं पर एंड होता है। और वूजी ने भी मान लिया था। वूजी अपना इंट्रोडक्शन कराते हुए कहता है कि मैं दो चीज़ के लिए यहाँ पर आया हूँ, मिस माई के एक्सपीरियंस से सीखने आया हूँ, दूसरा फिल्मिंग बिजनेस लाया हूँ। ये जो लेमन ब्रांड है टॉप टाई आर्टिस्ट से कोलैबोरेट करती है, तो सीजी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मिस्टर जाओ कहते हैं कि मिस्टर वू को ये प्रोजेक्ट लाने में बहुत तकलीफ हुई होगी। दूसरा कहता है कि मिस्टर वू बहुत ही टैलेंटेड और यंग और स्मार्ट है। फिर कार में बताते हैं कि माई लुरैन से कहती है कि मुझे बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ेगा। लुरैन कहता है कितने दिनों के लिए? तो माई कहती है 1 वीक से भी कम। लुरैन कहता है कि मत जाओ। तो माई कहती है जाना पड़ेगा। लुरैन कहता है मैं भी साथ चलूंगा। माई कहती है कि लेमन ब्रांड एशियन टाइटल ट्रैक शूट करेगी, उनकी टीम आकर मिलेगी। लुरैन कहता है कि हम आने के बाद मिल लेंगे। तो माई कहती है टॉप आर्टिस्ट के साथ वो कोलैबोरेट करती है, लोग चाहते हैं कि उनके साथ कोलैबोरेट हो, तो तुम ऐसे मत करो। लुरैन एकदम सैड लग रहा होता है। तो माई कहती है तुम मुझसे नाराज हो? लुरैन कहता है नहीं। तो माई उसके चिक्स पर किस करती है, तो लुरैन स्माइल करता है। तभी वहां पर वूजी आता है। वूजी माई से कहता है क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं? तो माई लुरैन से कहती है तुम आगे जाओ, मैं आ जाऊंगी। लुरैन एकदम उसे सरप्राइज नजरों से देखने लगता है। रेस्टोरेंट में वूजी को और माई को बताते हैं। वूजी कहता है कि मैंने तुम्हारा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, मुझे बहुत पछतावा होता है कि मैं चले गया, मैं तुमसे मिलकर भी नहीं गया। माई कहती है कि वो पास्ट था, उसे पास्ट ही रहने दो। वूजी कहता है फिर भी मुझे तुमसे माफी मांगनी है, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? और वहां पर लुरैन माई का बहुत ही बेचैनी से इंतजार कर रहा होता है। फिर से रेस्टोरेंट में बताते हैं। माई कहती है कि अगर तुम वो कहना चाहते हो तो तुमसे एक बात कह दूं, एक टाइम था जब हम एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वूजी कहता है क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? तो माई कहती है कि मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है, मैं फ्यूचर देख रही हूँ ना कि पास्ट में जी रही हूँ, तुम ओवरथिंक कर रहे हो। तो वूजी कहता है क्या मैं ये समझूँ ये हमारी लास्ट कॉफ़ी है एक साथ? तो माई कहती है कि मुझे नहीं पता, और मैं अब कॉफ़ी भी नहीं पीती, और उसे बाय कहकर जाने लगती है। तो वूजी उसे आवाज़ देते रह जाता है। लुरैन बार बार टाइम ही देख रहा होता है। तभी माई आती है। उसे देखते ही लुरैन कहता है कि कितनी देर लगा दी, कहाँ गए थे तुम दोनों? माई आकर उसे गले मिल जाती है। लुरैन कहता है क्या तुम्हें भूख लगी है, तुम्हें कुछ खाना है? तो माई उसके लिप्स पर किस करती है और उसे किस करते हुए बेड पर गिरा देती है। लुरैन भी उसे किस करता है।